ये ग्राम है बांधूखेड़ा, गन्ना विकास परिषद जंग बहादुरगंज, चीनी मिल अजबापुर, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ जी, मेरा नाम बलजीत सिंह है जी, ग्राम बांधूखेड़ा, जिला लखीमपुर खीरी। और आप है जेस गन्ना विकास निरीक्षक महोदय, जंग बहादुरगंज। अंगद सिंह, इसमें बोया है देखिए एक शानदार बीज से गन्ना, 5 फीट की दूरी पे और बीच में मेड पे 2 लाइनें आलू की हैं। सिंह साहब, गन्ना किस तिथि को बोया गया? ये जी बोया गया है वही 15 अक्टूबर को। किस विधि से बोया है? मशीन से बोया गया है जी। गन्ने की कौन प्रजाति है? 0118 है जी। दूरी कितनी होगी ये गन्ने से, गन्ने की जो लाइन है? ये दूरी जी वही करीब 5 फुट है जी। टुकड़े आपने जो उसमें प्रयोग किए, कैसे प्रयोग किए? 2 आका है जी। बीज 1 एकड़ में कितना लग गया होगा? वही करीब 15 से 18 क्विंटल लगा है जी। आलू की कौन सी प्रजाति है? पुखराज है जी। पुखरी पुखराज, हाँ जी। और आलू की 1 लाइन दिया या 2 लाइन? आलू की 2 लाइन है जी। 2 लाइनों के बीच में कितनी दूरी है? वही करीब 7 इंच की दूरी रही होगी। 7 इंच की, हाँ जी। आलू का बीज कितना लग गया होगा 1 एकड़ में? 7 क्विंटल लग गया होगा। 7 क्विंटल काट करके टुकड़े बोया या समूचा आलू बोया? नहीं, मीडियम साइज था जी, समूचा बोया है। समूचा बोया। बुआई के समय में आपने गन्ने के लिए क्या क्या उर्वरक दिया और अपने आलू के लिए क्या क्या उर्वरक दिया? गन्ने में तो जी 2 बोरी एनपीके और जुताई में पोटास। और आलू के लिए? आलू के लिए 2 बोरी एनपीके ऊपर दिया था जिसमें पोटास मिक्स करके। बुआई से पहले? हाँ, बुआई से पहले। हाँ जी। तो आलू की बुआई कैसे किया? छोटे ट्रैक्टर से रो निकाल कर उसे मैनुअल आलू रखवाया है इसमें। आलू में इस समय लेट ब्लाइट की प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए स्प्रे वगैरह होती रहती है, जैसे करते हैं आज भी स्प्रे हो रही है। स्प्रे हो रहा है, हाँ जी। तो इसमें ये बताइए, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे अन्य कृषक बंधु भी देखें कि आलू में इस समय जहाँ पाला वगैरह पड़ता है, हाँ जी, तो वो लेट ब्लाइट लगता है। हाँ जी, पोटैटो लेट ब्लाइट, हाँ जी। तो उसके कंट्रोल के लिए कौन सी दवा करते हैं? इसमें ऐसा है जी, मैनकोजिम कर दी जाती है, मैनकोजिम से बिल्कुल सेफ रहता है आलू। तो इस समय चूंकि जाड़ा है तो आलू के लिए बहुत सेंसिटिव मौसम है, इस समय झुलसा रोग जिसको बोलते हैं, झुलसा, दूसरा कीट भी लग जाता है, कीटनाशक भी कोई ना कोई डाल दी जाती है, कीटनाशक इसी मिक्स कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ। तो देखिए एक अच्छा प्लाट मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, बिल्कुल आदर्श प्लाट, आलू के लिए भी और गन्ने के लिए भी, और बुआई की विधि भी आदर्श है। तो कृषक बंधु देखें और इस तरीके की भी खेती की जा सकती है। हम किसान भाइयों से कहना चाहेंगे जी, बढ़िया विधि से गन्ना बोया जाए, जैसे कि ये बोया हुआ है जी, थोड़ा दूरी बना के, तो ज्यादा कम दूरी में भी मतलब उत्पादन लिया जाए। हाँ, उत्पादन नहीं ले सकते कम दूरी में, लेकिन इसमें उत्पादन बहुत अच्छा होता है। बाकी सह फसल साथ में जरूर लेनी चाहिए जी जी। हाँ जी, हाँ। आलू के साथ गन्ने की उपज भी अच्छी होती है, बहुत अच्छी के साथ आलू, ये दोनों का संगम जो आलू और गन्ने का है। हाँ जी, हाँ। सबसे अच्छा संगम गन्ने और लहसुन का होता है, दूसरे नंबर पे आलू है। आलू है जी, दोनों का उत्पादन बढ़ जाता है जी सर। और साथ में देखिए स्प्रे भी देख रहे होंगे इस समय हो रहा है, ये आलू खुद कब तक जाएगा? ये सर वही जाके फरवरी लास्ट में खुद जाएगा जी। अच्छा, कच्चा बेचेंगे या इसको स्टोर में रखेंगे? ये मौका देख लेंगे, अगर रेट अच्छा होगा तो कच्चा ही बेच देंगे। अच्छा, 1 एकड़ में कितना आलू हो जाएगा? 70 क्विंटल तक हो जाएगा। 70 क्विंटल। मार्केट रेट इस समय क्या होगा? मार्केट रेट उस समय वही करीब होगा जी, 500 रुपए का कट्ठा। तो 1 एकड़ में करीब 35,000 रुपए आपका निकल जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और 1 एकड़ में जो खर्चा आप बता रहे थे, करीब एक गन्ने में कितना हो जाता है? गन्ने में सर 50 से 55 हजार। 50 से 55, तो उसमें करीब 35,000 आपको निकल जाएगा और तुरंत आपकी उसमें जेब में आ जाएगा। हाँ जी, तो इसमें और सेवा कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। देखिए अच्छी खेती है, हमारे कृषक बंधु देखे इस तरीके की भी खेती की जा सकती है और इसे बोलते हैं आदर्श खेती। क्यों अच्छा? आदर्श खेती, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी जानकारी दिया। थैंक यू सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।